बागेश्वर का कुंड। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं हूँ नासिक में, मीन्स कल रात को ही मैं आ चुका, पर आपको व्लॉग में नहीं बताया, व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ। रात को हमें दर्शन लेना था और हम लोग को रात को निकलना था, पर रात को दर्शन नहीं हो सका। जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उसको पता होगा क्यों नहीं दर्शन हो चुका, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और मंदिर बंद हो चुका था। तो हम लोग अभी आज मॉर्निंग में हम लोग नासिक में आए, इधर से 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर, हम लोग को जाना है त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लेने। तो आज जाएंगे त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। सो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, पर एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे मैं मॉर्निंग में नीचे आया वैसे देखा तो अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी गाड़ी लाया है। सो मैंने अल्टो लाया है आज हम लोग ने, मैं और मेरे साथ जयेश भी है जो सोया ऊपर। गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है, तो अभी अपने को बहुत काम है, इसका पंचर निकालना है, उसके बाद निकलना है। तो अभी जयेश को बताता हूँ, निकालते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर लेके जाएंगे बाहर ही डायरेक्ट अपनी। जयेश पंचर आ गया, जल्दी चलो काम करो, फटाफट निकालो, चल लग जा। स्टेपनी का है, स्टेपनी डिक्की में होगी ना, रुक रुक जा रुक जा, देखते हो भी पंचर तो नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं तो लग जाएगी। खोल, हटा जाली वाली, स्पीकर स्पीकर निकाल, देन दे वो, देख रहे है ना बराबर, इसमें भी नहीं आवा, निकाल दो बाहर, निकाल दो। लग गई, मत पूछ, बड़ा पर निकाल, टाइम पास कर रहा है तू, हाँ तुम लोग ऐसे वापर, अभी पंचर ही है वो भी, देखना पंचर ही है, हवा निकल के दिखता है मेरे को, पंचर ही शायद, निकाल निकाल के देख तू खड़े। अरे ये तो गया, अरे ये तो चले गया है भाई, ये तो टायर ही गया है, चल छोड़ तू, ये खोल तो खड़ी, जैक लगा इसे, अपन बाहर जाके लगा के आते, चल निकाल फटाफट, बंद कर उसका पैक लगा। सो इधर लग गई है भी अपनी, अभी अपने को इसको निकालना है, इसको जेल लगाना है, उसके बाद इसको लेके जाना है, और फिर हवा निकले के पंचर ही पता नहीं चल रहा है, अब लेके जाके देखना ही पड़ेगा पंचर, क्योंकि वो पूरा टायर नीचे बैठ गया है, पंचर ही है इसे। तो फटाफट निकालते हैं और निकलते इधर से हम लोग त्र्यंबकेश्वर निकलना, पर्स वर्स सब नीचे रखते, ये लॉक खोल रहे, एक मिनट डालते पर्स अंदर। तो फटाफट अभी हम लोग दोनों ही नहा धो के आए रेडी, वो तो नहाया नहीं, मैंने आया हो क्योंकि मैं उसको बोला उठाया पंचर ऐसा करके, फटाफट बना दे पंचर। टायर निकल गया, टायर निकल के इधर आ, चल पकड़ जाए, चलेगा चलेगा, चल चला। तो सुबह सुबह ही मतलब जैसे आया नीचे देखा तो पंचर हो गया, क्योंकि कल रात को हम लोग गाड़ी चला के आए वापिस से, मतलब वो रास्ता इतने घाट का था। नहा तो देता वैसे तो अच्छा ही नहाया, ठंडी ऐसी वैसा। मिल गया पंचर, खुश क्या हो रहा है, खा ले। तो पंचर बन गया अपना, तो अब जा रहे फिर से उधर नट बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, फटाफट हो जाएगा। तो फटाफट अब निकलते हैं,
नट बोल्ट टाइट कर दे जिससे फटाफट टायर स्टेपनी लगा दे और ऊपर से स्टेपनी भी पंचर है, आगे जाकर अपने को अगर फिर पंचर हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि टायर फटा है वो पंचर नहीं बनेगा। तो अभी अपन जाते हैं लगाते हैं, देख क्या रहा है लगा फटाफट एकदम परफेक्ट लगनी चाहिए अपने दूर जाने का नीचे से। टायर नहीं लगा पा रहे भाई बंदा, लगता है गैरेज तेरे को खोल के देना पड़ेगा। बोला था थोड़ा पढ़ ले ठीक काम हो जाता, ठीक है 15 मिनट से ये कर रहा है तेरे को गैरेज खोल के देना पड़ेगा। ऐसा है 2 मिनट का काम 15 मिनट लगा रहा है। तो छोटे मोटे ट्रिप पे निकलना तो ये सब का ध्यान रखने का। अभी अपन मतलब अपना स्टेपनी पंचर नहीं था, नहीं तो फिर स्टेपनी पंचर था इसीलिए अपने को इतना प्रॉब्लम, अगर स्टेपनी पंचर होता तो अपने को जाना भी नहीं होता, बनाना नहीं होता, डायरेक्ट डाल के बना लेते। पर अभी भी अगर हम लोग का आगे जाके पंचर हुआ तो फिर हम लोग यही करना पड़ेगा, टायर खोल के फिर जाके पंचर वाले के पास जाके करना पड़ेगा क्योंकि जो स्टेपनी का टायर है उसका टायर फटा हुआ है, उसमें इतना बड़ा खिल्ला घुसा है तो फिर वो नहीं होगा। तो अपने को यही करना पड़ेगा, भगवान ना करे क्या हो ऐसा फिर से पंचर, फिर से इतना हाथ हाथ खराब करने और कपड़ा खराब करने। मेरे तो नहा गया, ये तो नहाया भी नहीं है, मैं नहा गया हूँ भाई हाँ। दीख रहा दीख रहा सब फटाफट टायर करते और निकलते। पर ध्यान में रखने का जब भी अपन ऐसे छोटे मोटे ट्रिप पे निकले तो सब कुछ होने चाहिए परफेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं होता, फटाफट अपने से हो जाता है। पर हम लोग पास इतना सामान नहीं इसलिए हम लोग गैरेज पे लेके जाना पड़ा, और हम लोग पास छोटा सा पंप या पंचर का सामान होता तो हम लोग इधर ही कर लेते। चल चल फटाफट हाथ लगा यार, इधर 9 बज गया और टाइम पर ढीला ढीला कर रहा है, घुमा देख क्या रहा है, वो बोला ना फटाफट कर, हाँ पैसा नहीं दूंगा नहीं तो हाँ ऐसा कुछ काम करने का फटाफट, गाड़ी पे इसके लग जाएगा लेकिन आराम से पत्थर हटाले हाथ में लग जाएगा। गाड़ी से पहले मेरे को टकराना पड़ेगा उसको, टायर बराबर लगा ना पड़, चल ठीक है कर फटाफट फटाफट चल फटाफट। सो अब हो गया अपना पंचर कंप्लीट, तो अपने स्टेपनी नहीं लगा दिया, अब जाके भाई नहाने वाला है कि नहीं नहाने वाला है कि कुंड में क्या आया ठीक है ना, तो बेइज्जती मत कर तू मेरी इधर बुला में हां कुंड में नहाने वाला है तू, हां कुंड में मतलब नहा के तो आया ऑलरेडी बट वापस नहीं गया। जापलो में एक ही एक पनौती है जो ये है, बाकी सब बंदे अपने एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई ठीक है, गाड़ी लॉक नहीं किया तेरे चक्कर में, पनौती बोलेगा तो यही होगा ना, वही पनौती है तू देखा। तो चलो अभी फटाफट निकलते रेडी हो जाए क्योंकि कपड़े मेरे खराब हो गए, साफ ऑफ करते घर पे जाके, और अभी त्र्यंबकेश्वर जाने का बहुत लेट हो गया। अच्छा सुबह का प्लान था पर गाड़ी पंचर थी इसलिए प्लान बना नहीं, रख फटाफट और चल जल्दी पनौती है उसके सिवा गाड़ी पंचर हुई। सो चलो तो अभी रेडियो के नीचे आ गए हम लोग, हाँ हाँ फ्रेश हो गए एकदम, चाय रेडी है वो नहाया नहीं, वो कुंड में जाके नहाएगा और मैं भी कुंड में रात को नहाया पर अभी नहीं नहाऊंगा क्योंकि अभी ठंडी लगी, सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहाए इन लोगों को उठाते उठाते इतना लेट हो गया मेरे को। तो अभी गाड़ी निकालते अपन और जाते हैं, तो टाइम तो लगेगा, हम लोग दोपहर तक घर पे पहुँचेंगे, इतने जल्दी से पहुँचेंगे नहीं। फिलहाल अभी तो मंदिर में पहुँचते त्र्यंबकेश्वर, इधर से 40 किलोमीटर दूर है नासिक से, वो 40 किलोमीटर हम लोग क्लियर कर देगा तो 1 घंटा लग जाएगा आराम आराम से जाएंगे। तो फैमिली भी है, जयेश के पापा भी हम लोग साथ हैं और मम्मी भी है जयेश की ना, ये तो लुक्खा है नहाता नहीं है कुछ नहीं, कहाँ से चल 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 गाड़ी बैठ। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करते भी कुल 60 गाड़ी स्टार्ट हो गई है अभी तक। अरे मच्छर कहाँ से आ रहा है भाई गाड़ी में। सो जयेश चलो भाई बैठो 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 बैठो, नहाएगा ना पक्का, ऐसा अगर दर्शन नहीं है ना भाई। देख भाई तू बेइज्जती कर रहा है फिर से मेरी, तेरे को मालूम है सुबह नहा के निकला तो भी बेइज्जती कर रहा है ना भाई। सब देखे भाई कौन नहाया और कौन नहीं नहाया, ठीक है फटाफट जाके कुंड में कूद जाना, नहा लेना फ्रेश हो जाना, उसके बाद ही दर्शन ले रहा हूँ। ओके दर्शन लेने के लिए लाइन में, चल गाड़ी निकाल रहा हूँ मैं। चल भाई कितना टाइम वेस्ट कर रहा है यार तू, देख भाई तू बार बार मेरे ऊपर मत आ ठीक है ना। तो निकले तो चलो अभी निकलते डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर के लिए, तो अभी डायरेक्ट मिलेंगे अपने को मंदिर पे, तो अभी निकलते डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर।
सो अभी हम लोग पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर पे। जस्ट मंदिर के सामने हम लोग खड़े, तो ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। बट मैं पहले आपको कुंड बताऊंगा, जो कि कुंड है, वहाँ पे स्नान करके इधर दर्शन किया जाता है। पर हम लोगों ने रात को स्नान कर लिया, अब देखते हैं अभी भी करेंगे तो इन लोग करेंगे, जैसे करेंगे। ये तो नहा के आया नहीं पहले, इसलिए तो करना ही पड़ेगा। सो ये है कुछ अपना मंदिर, और ये मार्केट है, ये मेन द्वार है त्र्यंबकेश्वर का। सो अपने को मंदिर में बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे अपन कुंड पे, और कुंड पे स्नान कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर पे आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे इधर क्या करना है। नहा के नहीं है, कैसे लोग है भाई, अच्छे अच्छे जगह पे ज्योतिर्लिंग पे जाने का तो भी नहा। ये है त्र्यंबकेश्वर का कुंड। सो चलो तो अभी इधर से स्नान वान करके अपन निकले। अभी ये भी बहुत मस्त लग गया है मेरे को। अभी अंकल लोग वो डोरी वोरी ले रहे बांधने के लिए, तो डायरेक्ट जाएंगे अभी मंदिर का दर्शन। एकदम अच्छे से, एकदम मस्त दर्शन अच्छा, और रात को नहीं हुआ, क्योंकि अगर रात को होता दर्शन तो दिन में इतने अच्छे से दर्शन नहीं होता। तो आपको भी बताऊंगा अभी सब पूरा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर। टाइम लगेगा पर आराम से वो करेंगे। सो चलो तो अभी इधर सब कंप्लीट हो गया, मतलब अब खाली जाने का, जूते रखने का, बैग रखने का, और जाके अपने को त्र्यंबकेश्वर महाराज मतलब ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने का है। उसके बाद पहले अभी चलते हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेते हैं, अच्छे से एकदम दर्शन होगा हमारा। हम लोग पता है कि रात को नहीं हुआ, अभी दिन में बहुत मस्त दर्शन होगा। भाई बंदे को भूख लग गया, मैं उसको बोला कि अभी पहले दर्शन ले लेते, उसके बाद आके कुछ खाते हैं क्या चले, क्योंकि खाली घर पे हम लोग चाय पी गए। चाय था चाबी, इसको देखे कि ट्रैक सूट में चाबी नहीं रख सकते थे इसलिए इसको दे दिया। तो अभी शूज वूज उतार रहे कहाँ पे, और फिर चलते दर्शन लेते। अभी हम लोग का दर्शन हो गया है मंदिर का, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग चोरी चुपके लिए थोड़े थोड़े मंदिर के अंदर अलाउड नहीं, बाकी सब बाहर है, इधर भी अलाउड है फिलहाल ये मंदिर। सो चलो तो अभी दर्शन हो चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के, और वीडियो वीडियो भी बहुत मस्त खींच चुके। अभी चलते हैं बाहर और
उधर भी वीडियो फोटोज लेते। सो ये मेरे पीछे है मंदिर त्र्यंबकेश्वर का, और पीछे जो ब्रह्मगिरी हिल से उसका व्लॉग डाल चुका हूँ मैं पहले ही। हम लोग गए थे, ट्रैकिंग किए थे, उसका एक नंबर है। बहुत भीड़ था इसलिए 2-3 घंटा हम लोग को लग गया, पर खुद ने एकदम अच्छे से दर्शन हुए, एकदम मतलब प्रॉपर ही दर्शन हो गए एकदम अच्छे से। तो चलो तो अभी खाना वाना खा के अभी हम लोग गाड़ी के पास जाना, फिर वापिस चल रहे। तो वापिस इधर से कुछ 120-130 किलोमीटर है तो हम लोग को क्लियर करने का, अपना वीडियो तो एंड कर देंगे। फिलहाल अभी चलते गाड़ी के पास, सब आएंगे फिर गाड़ी पर बैठेंगे और निकलेंगे डायरेक्ट वापी के लिए। अगर प्लान में तो कुछ बीच में रुकेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर पे जाके वीडियो एंड करेंगे। पी बेटा पी, नहा के तो आता नहीं पी ले, पर आराम से भी तो रस पीने का मन किया। इधर ठंडी, अभी भी दोपहर हो गया है, 1 बजे तो भी ठंडी लग रही है, पर तो भी हम लोग रस पी रहे हैं। गाड़ी निकाल दिए, अब खाली निकलना करते त्र्यंबकेश्वर को बाय और निकलते। तो जयस गया कुछ लेने, तो हम लोग भी अभी निकल रहे हैं। तो गाड़ी वाड़ी सब ला दी है, तो अभी निकलते हैं डायरेक्ट वापी के लिए। सो अभी घर पे आ चुके हैं, आराम करते हैं क्योंकि भाई गाड़ी इतना चलाया था, थक गया हूँ, अभी सोने का मन कर रहा है। तो बस ये वीडियो इधर रहेगी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या जो भी नया है प्लीज जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार दिखाओ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।